एक मिनट। हेलो दोस्त, जैसा कि कल कुछ लोगों का क्वेरी आया था कि इन्वायरमेंटल इशू वाले थोड़ा सा टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक में एक एक करके लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो सिलेबस आपको दिखाया था प्लेलिस्ट में, उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में तो डाल ही देंगे, साथ में वहाँ से आप प्लेलिस्ट से सारी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और इसमें हम हाईलाइट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट आपको केवल प्रश्न दिखाएंगे और उसको रीड करेंगे, तो आप समझ सकते हैं, उसको जूम करते जाएंगे। साथ साथ इसमें टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हजार्डियड मेटल, खतरनाक मेटल के श्रेणी में कौन कौन से है, ग्रेन गैस के केस में है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी इफेक्ट करता है, और हमारे रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो तीनों चारों टॉपिक को एक साथ लेके आया हूँ, तो ये तीनों चारों टॉपिक यहाँ पर आपका एक एक करके आएगा। और एक एक टॉपिक अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो एक बार मैं इसे थोड़ा अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम आप एक देख पाएंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो हजारीय टॉपिक है, यहाँ पे एक मिनट, ये लाइव में हमारा आ चुका है, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर पाएंगे प्रश्न से। टोटल मैंने कल आपके साथ एक सिलेबस तो करीब करीब शेयर ही कर दिया था, कई लोग जो देख चुके होंगे वीडियो उनको पता चल गया होगा। उसमें से पहला टॉपिक पर हम आ चुके हैं, पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हजार्डियस मेटल अगेंस्ट इन इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट के रूप में जो यूज होता है। और जब भी हम हजार्डियस मेटल या इन्वायरमेंटल की बात करेंगे, तो सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में तो जानना जरूरी होगा। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, तो इसलिए मैंने इसको प्रश्न को काउंट नहीं किया है। तो फर्स्ट आपका टॉपिक यहाँ पर है, ऑन विच डे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। तो मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे 5 जून होता है, गर्मियों का जून, और इसे इन्वायरमेंट डे के रूप में हम जानते हैं। अब कल जो हमने टॉपिक दिया था आपको सिलेबस के रूप में, अब उसी टॉपिक को हमने बड़ा कर दिया है, और बड़ा इसलिए नहीं कि पूरी कहानी लिख दिया है, मैंने इस टर्म में किया है कि आपको आसानी हो समझने में, और जो पेपर के लिए एक एक करके आते रहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके लिए भोपाल ट्रेजडी हमने कल भी जैसा दिखाया था, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप एक बार देख लेंगे तो आगे की बात हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, भोपाल ट्रेजडी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसमें से प्रश्न कहाँ आता है? एक तो डेट के बारे में आता है, दूसरा कहाँ पे हुआ था उसके बारे में होता है, किस गैस का इन्वॉल्वमेंट रहा। तो एक एक करके, पहला हुए कब ये हुआ था, तो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। एक मिनट, इसको मैं एक बार सेंट्रलाइज कर लूँ, तो एक बार सेंट्रलाइज करके इसको एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो 2-3 दिसंबर की नाइट में हुई थी 1984 को। कंपनी का नाम था, लोकेशन था वो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, और वहाँ पे क्या बनता था, पेस्टिसाइड कीटनाशक टाइप के, जो आपका कह सकते हैं उसके लिए बनता था, इमिडिएट का ये था वहाँ पर असर। और इसका जो गैस रिसाव हुआ था उसके बारे में बार बार पूछ देता है, जिसको MIC के नाम से कई बार हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके बारे में भी बहुत पूछता है। कई बार इसका कारण भी पूछ चुका है, किस कारण से हुआ था, तो ओवर कैपेसिटी ऑफ टैंक, एक टैंक थी जिसमें प्रेशराइज करके 30 टन रख सकते थे लिक्विड MIC को, मिथाइल आइसोसाइनेट को, लेकिन उसमें 42 टन पाया गया था, इसी के कारण उस टैंक की कैपेसिटी ब्लास्ट हो गई और लीकेज शुरू हो गया। परिणाम क्या था आप जानते ही हैं, मैंने उन्हें NML दोनों के रूप में, ऑफिशियल डाटा 3787 लोगों का डेट बताता है, लेकिन कई जगह रिक्लेम होता है अनऑफिशियल डाटा में कि 25,000-30,000 तक भी लोग हुए थे, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आज तक भी मिलता है, तो ये भी एक बड़ा इशू है। उसके बाद पूछ देता है कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन थे उस समय, या CEO कौन थे, तो ये वारेन एंडरसन जो USA के थे, शायद इनका डेट भी हो चुका है 2014 में, इनके बारे में बार बार ये पूछाता था सवाल। अब दूसरा इसी के बारे में एक टॉपिक आता है कि भोपाल ट्रेजडी के वाट काउडेड डू टू, तो सब लोग जानते हैं लीकेज ऑफ पॉइजनिंग गैस, गैस का नाम पूछेगा तो हम मिथाइल आइसोनेट करेंगे, इससे ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं आता है। तो ये चीज 3-4 टॉपिकों को आप यहाँ देख लेंगे, यही इसका डिटेल है। अब दूसरे टॉपिक में हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक हमारे पास आएगा यहाँ पे मरकरी, परा
कई बार HD, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये है भी मेटल में आता है, जो मेटल आयन्स में आता है, जो पोलटेंट के रूप में काम करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसको बाद में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे थोड़ा सा और, कि हैवी मेटल कौन कौन से हैं। एक लाइन की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बात करने वाले। लेकिन यहाँ पे आपका है, WHO ने मरकरी की लेवल सेट कर दिया है, कितनी कितनी मिली होनी चाहिए, तो 0.001 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये हजार्डियस है, और इन्वायरमेंटल और सभी के लिए नुकसान है, हेल्थ के लिए भी नुकसान है। अब सवाल आता है कि ये सोर्स क्या है मरकरी का, तो बड़े बड़े यानी लॉन्ग लाइव फिश होते हैं, वेल्स, डॉल्फिन, शार्क, सोर्डी फिश वगैरह के अगर मीट कंज्यूम कोई करता है तब भी ये आता है। और कुछ सोर्स है एयर में भी, जैसे आपका वीडियो में ही फ्लोरोसेंट लैंप दिख रहा होगा चेहरे के सामने, ये भी एक आपका लैंप में भरा हुआ रहता है मरकरी HG। अगर वो किसी कारण से डैमेज होती है तो इन्वायरमेंट में आती है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। मेन सोर्स इसका सी वाटर से रिलेटेड, समुद्री तल से नीचे सारी चीज़ों में पाया जाता है मरकरी का। लेकिन थोड़ी सी मात्रा बहुत खतरनाक नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज करें तो खतरनाक है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो नर्वस, डाइजेस्टिव, इम्यून सिस्टम, लंग, किडनी, और ये भी टाइम के साथ अगर ज़्यादा होता है तो फैतल हो जाता है। तो ये मरकरी से था, लेकिन अभी तक तो कुछ कुछ प्रश्न जो आ चुके हैं उसके बारे में बताते हैं। मीना माता डिजिट काउजेड बाई, तो यहाँ देखिए दो तीन टॉपिक में है, मीना माता काउजेज क्या है होता है और किस कारण से होता है। तो हमने टॉपिक जान ही रहे हैं आपकी, मरकरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी मिथाइल मरकरी से होता है, और ये जापान, आप समझ सकते हैं जापान में एक मीना माता जगह था, वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ था, इसलिए से इसका नाम भी रखा गया है मीना माता डिजीज। और ये भी आपका कंज्यूम ऑफ फिश, खास करके वेल और एक वगैरह का था, उसके कारण ही था। दूसरा मरकरी लीड 3 एग्जाम्पल ऑफ, किसके उदाहरण है वो बताना था। तो यहाँ देखिए तीसरे नंबर में प्रश्न में आप देखिए, तो परिस्टेंट पॉल्यूटेंट, ये हमेशा परिस्टेंट करते हैं इसलिए परिस्टेंट पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। कई लोग कहते हैं आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल नहीं है, परसेंट में आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मरकरी लेड टू आर एग्जाम्पल ऑफ। उसके बाद है मरकरी पोल्यूटेंट इज ए सीरियस इश्यू बिकाउज, किसके कारण से होता है। तो देखिए इसका इकट्ठा होना और कंसंट्रेशन, घनत्व और एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज हाई अप टू फूड चेन लेवल, जो हमारी भोजन होती है, जैसे आपने देखा भी सवेल वाली, उस तरह से हमारे फूड चेन में आ जाता है, इसलिए ये सीरियस इशू है। नहीं तो अदरवाइज इसकी मात्रा कम होती है वो हमारे लिए इशू नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे इकट्ठा होते जाएगा बहुत सारा ये एक्युमुलेट होता जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे पास अगले टॉपिक में आएगा। तो अगला टॉपिक हमारा फ्लोराइड था, फ्लोराइड का टॉपिक जो जो आ चुका है उसके प्रश्न भी ले चुके हैं। और फ्लोराइड दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, डेंटल फ्लोरोसिस यानी फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा लेने से, और ये हैवी मेटल में फ्लोराइड नहीं आता, ध्यान दीजिएगा, इसका बेनिफिट भी है और इसका लॉस भी है। बेनिफिट क्या है, हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में फ्लोराइड को मिलाया जाता है, यानी फ्लोराइड बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसकी एक लिमिट है, उसके हिसाब से हम समझेंगे कि कितना इसमें क्या होता है। तो देखिए अगर मात्रा कुछ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है तो डेंटल फ्लोरोसिस के नाम से जानते हैं, और ये आपकी टूथ का इनामेल, दांत का इनामेल को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये मात्रा कम मर जाती है तो ये कैविटी को, थोड़ा सा मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कैविटी को प्रिवेंट और दांत की डीके को भी कम करता है, यानी ये ज़रूरत भी है और नुकसान भी है, तो ज़्यादा भी नुकसान में है और कम में है। अब कई बार इससे प्रश्न पूछ चुके हैं कि भारत के किस स्टेट में फ्लोराइड वाटर के पीने के पानी में फ्लोराइड ज़्यादा मिलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, तो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ये सब स्टेट हैं जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा अभी पाया जा रही है और डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे हटाते हैं इसके बारे में भी कुछ हम पढ़ेंगे, है प्रोसेस है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखेंगे कि इसका कौन से ऑर्गेनाइजेशन कितने इसकी वैल्यू सेट कर रखा है, तो आप देखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वैल्यू 1.5 mg पर लीटर यानी PPM के रूप में सेट कर रखा है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1.1
0 mg पर लीटर है, ये पहले का डाटा है, और कई बार ये सेट वैल्यू 0.7 mg पर लीटर भी मिलेगा। तो यानी ध्यान रखिएगा, 1.5 तो अलार्मिंग लेवल है, उससे नीचे नीचे की प्रॉब्लम है, उससे नीचे रहे तो और अच्छी बात है, और ये ज़रूरत भी है हमें, क्योंकि हमें बेनिफिट भी देता है डेंटल कैविटी के रूप में और टूथ डिके के रूप में। यानी हमें कम, 1 से कम रखें तो अच्छी बात है, 1 से थोड़ी भी ज़्यादा हो तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो और दिक्कत है। तो डेंटल और स्केलेटल फ्लोरेसिस दो इसके बीमारियों का कारण है, और दोनों का इन्होंने कारण लिखा है कि ये डेवलप हो जाता है, और कैल्शियम मोटे, अगर स्कल्चर फ्लोरोसिस हो गया तो हड्डियां कमज़ोर होने जाती है, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को काम करने में, वो बोन्स को मजबूत होने में सहायक नहीं होके विरोधक हो जाता है। तो ये भी एक टॉपिक है। अब इसके 2-3 प्रश्न थे, मैंने ले लिया है कहीं से जहाँ पे ये प्रश्न आए हुए थे। स्केलेटल फ्लोरोसिस इज सीन इन ड्रिंकिंग वाटर फ्लोराइड लेवल ऑर्डर 2। अगर ऐसा होता है तो कितनी लेवल पानी में हो जाएगी, किसकी फ्लोराइड की मात्रा, तो ऐसा होने की संभावना है। तो देखिए, इसकी लेवल है 20 ppm। अगर 20 ppm और वो भी लगातार पर डे यूज कई सालों तक कर रहे हैं, तब ये प्रोसेस में आती है। हालांकि 1-2 दिन कंज्यूम कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर एक कंटिन्यूस में 20 ppm से ज़्यादा, यानी 20 mg पर लीटर से ज़्यादा यूज करते हैं तो इसकी प्रॉब्लम आ जाती है आपका। उसके बाद डेंटल फ्लोरोसिस, इसमें 2 ppm का लेवल है, ध्यान दीजिएगा, कई जगह 1.7 ppm भी मिल जाएगा, क्योंकि 1.5 तक तो सेफ माना गया है, उससे ऊपर जैसे ही शुरू हो जाता है वो डेंटल फ्लोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब रहेगा 1.7 एग्जैक्ट, लेकिन 2 से बिलो कहीं मिल जाए उसको भी ध्यान दे देना है। उसके बाद 7वें नंबर पर प्रो है कि द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग अमाउंट ऑफ फ्लोरोसिस इन फ्लोराइड वाटर इज ऑप्टिमम लेवल टू प्रिवेंट फ्लोरोसिस इज 9 in। किस विधि के द्वारा फ्लोराइड की मात्रा को पानी में कम किया जाता है, सिंपल सी बात में करें हिंदी में, तो देखिए रिवर्स ओसोमिसिस, यानी RO भी इसका काम करता है, लेकिन ये क्रिया नहीं है, ये एक प्रोसेस में हम लाते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं डीफ्लोरोड्राइडेशन। यानी ऑप्शन सी सही इसका आंसर है, जो आपकी फ्लोराइड की मात्रा को पानी में कम किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, विन विच प्रोसेस द फ्लोराइड कॉन्टेंट ऑफ वाटर इज राइज। हमने बोला था कि फ्लोराइड की मात्रा भी बढ़ाते हैं और कम भी करते हैं, तो सीधी सी बात है, मात्रा बढ़ाएंगे तो फ्लोरोराइडेशन बोलेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो बढ़ाने किस लिए बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा पानी में रहने से भी हमारे लिए नुकसान है, ये बैक्टीरिया को मारने में भी सहायक करता है, दांत आपने देखा टीथ का एनामेल वगैरह में भी ये सहायता करता है, डिके होने से बचाता है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। उसके बाद आपका 9 नंबर प्रश्न है, एज फार एज सेफर हैंडलिंग ऑफ कंसीडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर फ्लोराइडेशन। फ्लोराइडेशन करने के लिए किसको यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम सिलिकेट फ्लोराइड है, उसके बाद सोडियम फ्लोरेट कार्बोनेट है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप देखेंगे तो सी मिलेगा, हाइड्रोफ्लोरोसिलिक सिलिसिक एसिड, यानी राइट आपका सी आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट है। उसके बाद 10 नंबर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ए डीफ्लोराइजेशन, किसको यूज नहीं करते हैं, तो कॉपर सल्फेट नहीं होता है, बाकी तीनों को हम कहते हैं, यानी बी राइट आंसर है, जो नहीं होता है कैल्शियम फॉस्फेट एलम यानी फिटकरी या बोन चारकोल, ये तीनों यूज करते हैं हम, किसके लिए, डीफ्लोराइजेशन के लिए, यानी पानी में फ्लोरीन की मात्रा को कम करने के लिए। इसका एक और सवाल होना चाहिए कहीं पे, आर्सेनिक का है, सॉरी अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ये आपका फ्लोराइड का 10 नंबर पे, अब आर्सेनिक की आती है प्रश्न। तो ऑर्गेनिक आर्सेनिक और इनऑर्गेनिक आर्सेनिक, दो प्रकार के आर्सेनिक है, और ये भी आपका एक फैतल है, फ्लोराइड तो हम नहीं कह सकते कि हैवी मेटल है, लेकिन आर्सेनिक एक हैवी मेटल है, पानी में मात्रा आ जाने से थोड़ी सी मात्रा बहुत खतरनाक हो जाती है। तो इसके सोर्स कौन कौन से हैं इनऑर्गेनिक के, तो कोल फायर्ड प्लांट यानी ताप विद्युत, कोयला से चलने वाले ताप विद्युत जितने हैं उससे निकलने वाले सोर्सों से, बर्निंग वेजिटेबल कोई वुड वगैरह जलाते हैं, और वोल्केनिक यानी कह सकते हैं कि इरेप्ट होता है जिसमें लावा वगैरह निकलती है, उससे भी आपका आर्सेनिक का स्रोत उत्पन्न होता है, और ऑर्गेनिक में जानते ही हैं फिश और सेल फिश वगैरह है, इससे भी आर्सेनिक का
निकलता है जो आप कंज्यूम करेंगे, तो आर्सेनिक इसमें भी आपके साथ आ जाएंगे आगे, जैसा कि मरकरी की बात किए थे। तो हाई आर्सेनिक की ग्राउंड वाटर कौन कौन से राज्य में है, जैसा कि हमने देखा था अभी फ्लोराइड के मामले में, यहाँ उन राज्यों में जहाँ मिलेगा, जहाँ पे आपकी खदानें ज़्यादा है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ खदान कम होने के बावजूद भी वहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़, ये राज्य हैं जहाँ पे आर्सेनिक के लिए भी मात्रा अध्ययन में ज़्यादा पाया गया है। उसके बाद करेंट ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड कितना है, तो मैक्सिमम MCL जिसको बोलते हैं कंटेनमेंट लेवल, US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा सेट किया हुआ है 0.00 ml पर लीटर, जैसा कि मरकरी था उससे थोड़ा कम। देखिएगा मरकरी में हमने देखा था कितना था, तो मरकरी में आप देखेंगे तो मरकरी के लेवल थोड़ा और कम था, कितना था, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.001 था और यहाँ पे 0.01 है, यानी मरकरी से भी खतरनाक आपका आर्सेनिक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों के लेवल में अगर पूछ तो आर्सेनिक 0.010 mg पर लीटर ही आपके लिए नुकसान है, ये लेवल पे सेट होना चाहिए, यानी 10 ppm कह सकते हैं माइक्रोग्राम पर लीटर के अनुसार में। इसकी प्रॉब्लम होने से क्या हो जाती है, ब्लैडर में प्रॉब्लम आता है, लंग में प्रॉब्लम आता है, स्किन कैंसर है और किडनी से रिलेटेड आपकी आती है, बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम वगैरह वगैरह ज़्यादा आर्सेनिक को कंज्यूम करने से होता है। और हमारे पास कैसे पहुँचती है, या तो समुद्री फिश वगैरह से और दूसरा आपकी इन्वायरमेंटल के द्वारा, दोनों के तरफ से आ सकता है। लेकिन अब देखिए सोर्स ऑफ दी आर्सेनिक वाटर इज कौन से हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेट हुई भी हो सकता है, फर्टिलाइजर भी हो सकता है और रॉक जिसमें चटाने की बात हमने किया ही है, जहाँ पे खदान होती है वहाँ से भी आता है आपका, बेल्कोनिक एक्टिविटी वगैरह सबसे ये सोर्स इनके आर्सेनिक के है, यानी राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे यहाँ पे। 12 नंबर प्रश्न में देखिएगा, खाली स्थान है, पॉइजनिंग वाटर इन जापान फ्रॉम ए फिशेस, किसमें है, आर्सेनिक पॉइजनिंग होगा, राइट आंसर यहाँ पे भी यहाँ देख सकते हैं बी होगा, आर्सेनिक पॉइजनिंग वाटर इन जापान इज फॉर्म ऑफ फिशेस के रूप में आएगा। अब 13 नंबर प्रश्न है जिसमें एक भारत के लिए रिसर्च हुआ है, ये आर्सेनिक से संबंधित है इसलिए ले रहे हैं, रिसर्चर इन असम तेजपुर यूनिवर्सिटी हैज बीन डेवलपमेंट ए सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव 99.9% आर्सेनिक फिल्ट्रेशन सिस्टम, कम पैसे में अच्छा और सिंपल आर्सेनिक फिल्ट्रेशन की बात किया गया है, जिसमें आर्सीरोन निलोगुन इसको नाम दिया गया है, जिसमें 3 कंपाउंड लगाकर आर्सेनिक को फिल्टर कर लिया जाता है, और ये मतलब कह सकते हैं सिंपल सी उपकरण है। तो इसके बारे में भी आप देखेंगे आर्सीरोन निलोगुन, आप नेट पे सर्च करेंगे इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक आपका टॉक्सिक गैस के रूप में आता है, और जनरली ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस, ऑडरलेस, कोई गंध नहीं, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं, और टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट है, जो एक समय तक समस्या थी, उसके बाद CNG पे हम आए, वगैरह पे आए, अनलीडेड पेट्रोल पे आए वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें को इसी सबसे निकाला हुआ टॉपिक है। और इसके सोर्स क्या है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल होते हैं सभी से निकलते हैं, ग्लिसरीन, नेचुरल गैस, आयल, कोल, वुड, जितना भी जलेगा सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता इसको कंट्रोल होने नहीं देती। इसके बारे में अगर कहें तो ये क्या कहता है कि आपके शरीर में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, यानी ब्लड में जो ऑक्सीजन RBC में चलती है वो कम हो जाएगी, और ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये कार्बन CO क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ब्लड सिस्टम में बहुत तेज़ी से, सर दे देंगे क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि रिडक्शन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन RBC आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को कम कर देता है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBC रेड ब्लड सेल क्या करेगा, आपकी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में आसानी से मूवमेंट नहीं होने देगा या कम होगा, तो ये भी है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों
जिसको संयुक्त रूप से हम एसिड रेन भी कहते हैं, यानी दोनों जहाँ मिल जाता है एसिड रेन शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों को अलग अलग टॉपिक में भी कोई प्रश्न आते हैं तो इसके बारे में डायरेक्ट प्रश्न पे बात करेंगे। ये पुराना टॉपिक है लेकिन बार बार प्रश्न आता है। तो एसिड रेन का पात्र कौन कौन से हैं? SO2 और NOIS दोनों मिलते हैं तो अम्ल वर्षा होती है। उसके बाद आपका है द फिनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर ड्यू टू, तो समझ गए होंगे एसिड रेन टॉपिक ही एसिड रेन की हो रही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। उसके बाद अगला है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग दी ताजमहल येलो, ये भी मार्बल से रिलेटेड है तो समझ सकते हैं कौन सा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड येलो करने का कारण, यानी पत्थर को ख़राब करके येलो कर देता है, किया है जिसको क्लीनिंग भी कई बार किया गया है देखे होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी है, थोड़ा सा मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट आंसर 16 का डी है। उसके बाद 17 नंबर में आएंगे तो 17 नंबर आएगा आपका विच ऑफ द फ्लोइंग गैस डिस्ट्रॉय डी क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ए प्लांट लीव, पेड़ के पत्तों में क्लोरोफिल होती है जो भोजन बनाने में सहायता प्रदान करता है, यानी पेड़ों को बढ़ने में सहायता करता है, इसको कौन ख़त्म कर देता है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर है और बिल्कुल यही होना चाहिए। और सेम प्रश्न आपका 18 नंबर में भी सेम है, खाली प्रश्न को बदला हुआ है, विच पोलटेंट काउजेज लिप कर्लिंग, पत्ते को कर्लिंग हो जाना किसके कारण होता है? तो ये भी सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर डी में है। उसके बाद लीचेन इंडिकेट पोल्यूशन बाई, अगर कहीं पे लीचेन इंडिकेट हो रहा है तो पोल्यूशन किसके कारण से हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ भी देखिए सीधा सी बात होगा उसी का होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद दोनों मिल के SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस क्या करेगा, अल्कानिटी या एसिडिटी? तो अम्ल वर्षा में जानते ही हैं इसकी वैल्यू pH कम हो जाती है तो अल्कानिटी होगा, एसिडिटी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे अल्कानिटी दोनों मिल के बनेंगे। और कई जगह इसको हमने एसिडिटी के टर्म में देखेंगे, तो 20 नंबर प्रश्न आप एक बार देख लेंगे, दोनों मिलेंगे तो अल्कानिटी होना चाहिए मेरा ख्याल है, लेकिन एसिडिटी भी अम्ल वर्षा के टर्म में अगर कोई है, यहाँ पे NO2 है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसे 20 नंबर प्रश्न को, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लग रहा है लेकिन मेरे हिसाब से आंसर ये बनता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न की आज बात करेंगे, तो अभी उससे पहले लीड के बारे में आ गया, तो लीड आप जानते हैं सीसा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, जो हमारा अगर नॉर्मल में कहे तो हमारा उपयोग है, और इसकी ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाए तो हमारे लिए दुरुपयोग है। तो कहें वन ओर मेटल है ये सीसा, एक मिनट, वन ओर मेटल कह सकते हैं, ओर मेटल यानी खदानों से निकलने वाला प्रोसेसिंग होता है, जब हम खदानों से निकलने वाले मेटल को धोते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लीड पानी में मिल जाता है, उसका एग्जांपल बहुत सा जगह मिलता है, टेट्राइथिलाइन लीड प्रोवाइड फॉर ऑक्टेन एंड गैसोलीन, यानी कुछ सीसा हमारे अनलीडेड पेट्रोल में भी बहुत सारे पहले हुआ करते थे, इसके लिए अनलीड प्लेटफॉर्म की पेट्रोल की बात कर रही जाती है, आजकल डीजल की बात की जाती है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये इंजन की नॉकिंग पावर कम हो जाती है, तो इसीलिए और दूसरा चीज़ें मिलाया जाता है, तो हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, हम टॉपिक पे जा रहे हैं कि लीड का नुकसान क्या है। तो नुकसान क्या है इसमें आप देख सकते हैं किस नंबर प्रश्न में, प्रेजेंट इन एग्जस्ट इन ऑटोमोबाइल, अगर हम ऑटोमोबाइल से जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलती है उसमें क्या मिलता है, तो लीड मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हटाया है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो वो भी निकलता, लेकिन यहाँ पे केवल लीड की बात कर रहा है, दोनों खतरनाक हैं, तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद आपका है हैवी मेटल आयरन, जिसके बारे में हमने बोला था कि थोड़ी सी छोटी बात करेंगे, जो अभी हमने ऊपर बात किया वो सारा इसी का पार्ट था, हैवी मेटल आयरन आयन्स में बात करेंगे, तो एनी मेटेलिकल केमिकल एलिमेंट है जे रिलेटेड भी हाई डेंसिटी एंड टॉक्सिक्स और पॉइजनिंग एट लो कंसंट्रेशन पे होता है, तो इसमें देखिए एग्जांपल पूछ देता है कई बार कौन कौन से हैवी मेटल आयन्स के पार्ट हैं, तो सबसे पहले हमने मरकरी डिस्कस किया था, HG कैडमियम CD आर्सेनिक AS क्रोमियम CR थैलियम TI और लीड PB, इसमें से मरकरी कैडमियम आर्सेनिक क्रोमियम
हमने बात कर लिया है, लीड की भी बात कर लिया है, केवल थैलियम की बात यहाँ पे नहीं हमने किया है, इसके अलावा फ्लोराइड की बात कर लिया है। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा इसमें से एक दो प्रश्न के बाद आएगा, तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट इज मोस्ट हार्मफुल और एक्वेटिक एनिमल, कौन सा है? तो हैवी मेटल आयन्स जो है, हमने पहले अभी देखे कितने प्रश्न कितना हार्मफुल है, वो कौन किसके कारण से है, तो सारा आपका है हैवी मेटल आयन्स से। उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, तो अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे अगला प्रश्न DDT है, यानी प्रश्न ही टॉपिक ही कर ले, तो एक DDT का प्रश्न यानी डाइक्लोरो डाई फिनाइल इथेनाइल क्लोराइड जो भी होता है DDT, इसका फुल फॉर्म पहले पूछता था, लेकिन ये पुराना जमाने का इथेन वाला ये टॉपिक चला गया है, लेकिन इसको कई बार आपका पूछ दिया जाता है कि किस प्रकार का है, तो इंसेक्टाइसाइड टाइप पे है, यानी कीड़ा को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिससे पहले एग्रीकल्चर में बहुत यूज होता था, और इसका ये पूछ देता है कि एग्रीकल्चर में जाता है तो एक किस प्रकार के पोल्यूटेंट करता है, सॉइल का, एयर का और वाटर का, तो DDT का नुकसान सबसे बड़ा था। हो सकता है एक प्रश्न नीचे मिलेगा कि DDT ऐसा है जो तीनों प्रदूषण को एक साथ करता है, एयर को भी, सॉइल को भी और वाटर को भी, जो बहुत हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए DDT के बारे में इसको एग्रीकल्चर से बैन कर दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं दवा वगैरह और के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये क्या होता है, बसा में सोल्यूबल होता है, ये भी प्रश्न पूछता है, यानी बसा फैट में सोल्यूबल बहुत आसानी से घुल जाता है, जबकि पानी में घूमने में दिक्कत करता है, कहाँ स्टोर रहता है, तो स्टोर इन एलिमेंट फैटी टिश्यू, जानवरों की फैटी टिश्यू में ये बहुत दिनों तक भी स्टोर होके रहता है। तो यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें पूछा है प्रश्न में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन बायोडिग्रेबल पोल्यूटेंट, अभी हमने बोला था परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉन बायोडिग्रेबल पोल्यूटेंट कौन है, तो DDT को ही बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेबल, यानी नष्ट नहीं कर सकते, ये बहुत दिनों तक एनिमल के फैटी टिश्यू वगैरह में स्टोर होकर रहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न में देखिए है, स्प्रेइंग ऑफ DDT प्रोड्यूस पोल्यूशन ऑफ, तो जो हमने अभी बात किया था कि एयर पोल्यूशन भी कर सकता है, वाटर पोल्यूशन भी कर सकता है और सॉइल पोल्यूशन भी कर सकता है, यानी सभी प्रकार के ये पोल्यूशन को जन्म दाता है DDT को स्प्रे करना, क्योंकि हम जब फसल पे इसको स्प्रे करते हैं तो एयर में मिल जाता है, जैसे नीचे पड़ती है तो मिट्टी में मिल जाता है, और वहाँ मिट्टी पे अगर बारिश आती है तो आपकी जल के स्रोत तक चला जाता है, क्योंकि ये किस प्रकार का आपका पोल्यूटेंट है, नॉन डिग्रेडेबल, एक पोल्यूटेंट ऐसा होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में जाने में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये कन्वर्ट होके नहीं अपने असली रूप में ही सभी स्रोतों में मिल जाता है। अब उसके बाद थोड़ी सी और टॉपिक कैडमियम का है, जो आपका इटाइडाइडीज के बारे में पूछा गया है, क्या होता है, किसके कारण से होता है, तो कैडमियम हमने अपने को बता ही दिया कि कैडमियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान से 25 नंबर का आंसर देखेंगे बी होगा। कुछ न्यूज़पेपर कंटेन दी न्यूज़पेपर कंटेन वन ऑफ द फ्लोइंग टॉक्सिक मटेरियल, तो ये भी कैडमियम ही है, न्यूज़पेपर में जो प्रिंटिंग का मेटेरियल यूज होता है तो उसमें भी कैडमियम का होता है। एक मिनट ये ऊपर आ गया आपका स्लाइड, सॉरी नीचे मैं लाता हूँ, आगे चलिए। उसके बाद एक और प्रश्न है, कैडमियम डैमेज, क्या डैमेज कर सकता है, तो बहुत खतरनाक ढंग से लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है, तो टॉपिक शायद यहीं तक, अगले बार में अगर रिस्पांस रहा तो अगला टॉपिक में हम बात करेंगे और थोड़े से, हालांकि कुछ यहां पे 4-5 प्रश्न है जो आपका केवल इस पोल्यूशन से नहीं रिलेटेड है, ये आपका एयर पोल्यूशन वगैरह वगैरह से भी है और कुछ रिलेटेड है, तो कहें तो ये 7 टॉपिक को यहां भी ले लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का संबंध किससे है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, टेबल के रूप में मैंने बना रखा है, ग्रीन हाउस गैसेस का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से है और किसी से नहीं। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन किससे होता है, ऑब्जर्व बाई CO2 से होता है, CO2 ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद ऑक्साइड विथ इफेक्ट वेजिटेशन, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, पोल्यूटेंटिंग गैस के रूप में जानते हैं इसे, पोल्यूटेंट गैस में है। उसके बाद आपका कंडेंस्ड वाटर वेपर इन एयर, अगर कंडेंस वाटर वेपर इन एयर में हो जाता है छोटे छोटे बूंदों के रूप में, तो क्या धारण करता है, फॉग,
ये फॉग बार बार प्रश्न पूछता है। उसके बाद अस्थमा किसके कारण से होता है, तो ये स्मोक के कारण होता है। वहाँ पे ऑप्शन फॉग भी रहता है लेकिन ध्यान दीजिएगा स्मोक से होता है। और स्मोक क्या है, तो स्मोक बहुत बड़ी चीज़ है, जो फॉग आपका स्मोक और फ्यूम्स तीनों को मिला के बनता है तब स्मोक होता है। तो सबसे खतरनाक कौन है, स्मोक। ध्यान दीजिएगा, फॉग खतरनाक नहीं है, स्मोक खतरनाक है, फ्यूम खराब नहीं है। स्मोक भी कुछ हद तक कार्बन मोनोऑक्साइड को ही देता है, लेकिन अगर तीनों को सब कुछ जोड़ देंगे तो वो हो जाता है स्मोक, और ये स्मोक खतरनाक होता है। अगले टॉपिक में हमारे पास रह जाएगा, अब यहाँ से शुरू होगा गवर्नमेंट रूल और नियम जितने हैं इस टॉपिक को हम अगले में कवर करेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किया है, भोपाल ट्रेजडी के बारे में, उसके बाद हमने मरकरी के बारे में बात किया है, उसके बाद हमने फ्लोराइड के बारे में बात कर लिया है इन्वायरमेंटल इशू में, उसके बाद हमने बात कर लिया आर्सेनिक के रूप में, उसके बाद अगर देखें तो अगला हमारा टॉपिक था कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में, उसके बाद अगर देखें तो अगला टॉपिक हमने बात किया था यहाँ पे आप देखिएगा लीड के बारे में, उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक और था हैवी मेटल आयंस के बारे में कौन कौन से होते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक था DDT, उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास था कैडमियम, और कैडमियम के बाद हमने थोड़े से ये टॉपिक को बात किया था स्मोक फॉग और वगैरह वगैरह जो पोल्टेंट है उसके बारे में। तो आज ये वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में ध्यान से देखते हैं।